टॉपिक है नेटवर्किंग, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप्स का होता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, पहला कंप्यूटर नेटवर्क का नेम क्या था, इन सभी चीज़ों को इसी एक वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो नेटवर्किंग का आपका जो भी डाउट है वो सब क्लियर होगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसीलिए मैंने फुल डिटेल लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, होता क्या है। A group of computer which are connected to each other for the purpose of sharing their resources is called computer network. दो या दो से ज़्यादा computers अगर आपस में connected हैं data share करने के purpose से, अपने resources को share करने के purpose से, तो उन्हें ही हम कहेंगे computer network. तो यहाँ पे group का मतलब ही होता है कि जाहिर सा बात है अगर एक या एक से ज़्यादा computer आपस में connected हैं तो उन्हें हम group ही कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हज़ारों computer भी हो सकते हैं, इससे अच्छा आप two और more लिखने से अच्छा group लिख दो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे चार computer system आपको दिखते होंगे, तो अभी ये connected नहीं है, तो अभी ये कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं इन्हें आपस में कनेक्ट कर दूं इस तरह से, आप देख सकते हो, तो अभी ये कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो चार कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, अब ये अपने डेटा रिसोर्सेज को एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो अभी पहला कंप्यूटर नेटवर्क क्या था आपको मैं वो बताता हूँ, अर्पानेट। पहले कंप्यूटर नेटवर्क का नेम था अर्पानेट। तो अर्पानेट का पूरा नेम क्या होता है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है या तो पहला कंप्यूटर नेटवर्क का नेम बताइए या फिर इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। तो ये हो गया कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। अब चलिए हम आपको आगे की चीजें भी एक्सप्लेन करते हैं। अब हम आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बताएंगे, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क का विशेषता क्या है, इसे आप फीचर्स भी बोल सकते हो। पहला होता है रिसोर्स शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो। सेकेंड होता है कम्युनिकेशन स्पीड। स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होता है और आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेट भी कर सकते हो, ठीक है। थर्ड हो गया बैकअप, आपको बैकअप भी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आपका डेटा चला गया, डिलीट हो गया, तो आप कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर से मंगा सकते हो, क्योंकि दूसरे सिस्टम के पास होगा वो। स्केलेबिलिटी, आपका कंप्यूटर नेटवर्क स्केबल होना चाहिए। स्केबल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने चार कंप्यूटर को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाया हुआ है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक और कंप्यूटर डिवाइस को कनेक्ट कर दो, अगर आपने कनेक्ट कर दिया और आपके नेटवर्क में कनेक्ट हो जा रहा, मतलब आपका नेटवर्क स्केबल है। तो ये स्केबल होना चाहिए आपका कंप्यूटर नेटवर्क, और ये इसका बहुत ज़्यादा विशेषता होता है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क अगर स्केबल नहीं होगा तो आप एक बार जितना डिवाइस कनेक्ट कर देंगे उतना ही हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप ऐड नहीं कर पाओगे। इसीलिए लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क को स्केबल बनाया है ताकि आप बाद में ऐड कर सको। रिलायबिलिटी होना चाहिए आपके कंप्यूटर नेटवर्क के पास। मान लीजिए इन केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर, आपका कुछ भी नुकसान ना हो, आपका नेटवर्क आपको कवर कर ले, ठीक है, आपका जो भी डाटा वगैरह है वो सब मिल जाए आपको। अभी देखो 6 नंबर पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। यहाँ पे आपको हर सिस्टम में जाके मैनुअली किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेन सर्वर में इंस्टॉल कर दो, बाकी सभी में शेयर कर दो, सभी में अपने आप डेटा सॉफ्टवेयर शेयर हो जाएगा। इसी तरह से आप हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। और लास्ट में देखो सिक्योरिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर नेटवर्क हमें कुछ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है ताकि कोई अदर यूज़र हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके, हमें नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हम आपको बताने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। तो नेटवर्क डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं किसी कंप्यूटर नेटवर्क को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। पहला होता है हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, मोडेम, राउटर, रिपीटर, इसी तरह और भी होते हैं। तो ये जितने भी आपको डिवाइसेस दिख रहे हैं ना, इनका यूज़ बस हम कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए करते हैं। अगर आपको एक नेटवर्क तैयार करना है, अगर आपके पास हब है तो आप कनेक्ट कर सकते हो सिस्टम को आसानी से। आपने अपने कंप्यूटर लैब में, कॉलेज, स्कूल वगैरह में देखा भी होगा हब स्विच को, ठीक है। अभी बताते हैं नेटवर्क के टाइप्स के बारे में। पहला टाइप होता है पैन। पैन का पूरा नेम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, मैं आपको इस फिगर में बताता हूँ।
अगर आप अपने घर में अपने पर्सनल यूज के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम से अपने पेन ड्राइव को, अपने मोबाइल फोन को, स्पीकर को, लैपटॉप को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने सिस्टम को वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं खुद के यूज के लिए अपने घर में, तो उसी को बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे देखिए हमारा एक खुद का नेटवर्क हमने तैयार किया है। इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है 0 से 10 मीटर, ठीक है, उससे ज्यादा इसका रेंज नहीं होता। 10 मीटर से बाहर जाएंगे ये नेटवर्क आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए पर्सनल इसका नाम ही दिया गया है। और इसका यूज हमें कहाँ करना है? अपने घर के लिए करना है, पर्सनल यूज के लिए करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अभी चलिए सेकेंड टाइप बताते हैं आपको। अभी हमारा नेटवर्क का सेकेंड टाइप क्या है? लैन। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये फिगर आपको दिखता होगा, ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का फिगर है। बहुत सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, तो इसका हमें यूज कहाँ करना है? इसका यूज आपको किसी भी एक पर्टिकुलर ऑफिस या फिर बिल्डिंग के लिए आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एक ऑफिस है जहाँ पे 10-15 एम्प्लॉई रहते हैं, काम करते हैं, तो आप वहाँ पे अपना खुद का एक लोकल नेटवर्क बना सकते हैं, अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। और आपका ये रेंज कहाँ तक देता है? 150 मीटर तक इसका रेंज होता है। तो आपके ऑफिस में तो इसका रेंज रहेगा ही, तो आपके ऑफिस में जितने भी सिस्टम होंगे आप उन सभी को अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो। अभी चलो थर्ड टाइप बताता हूँ आपको, मैन। मैन का पूरा नेम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो सिंपली वर्ड में अगर आपको कोई पूछे मैन क्या होता है, तो आपको सिंपली बोलना है कलेक्शन ऑफ लैंड नेटवर्क इज कॉल्ड मैन। तो यहाँ पे देखो मैन में क्या क्या होता है? हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्री, एक सिटी में जितने भी चीजें आती है आप उन सभी को मैन नेटवर्क से कवर कर सकते हो। इसका रेंज होता है 50 किलोमीटर तक। इसका यूज आप किसी भी एक शहर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लैन नेटवर्क को जोड़ते जाइए अपने शहर में और फैलाते जाइए और उसे मैन के साथ कनेक्ट कर दीजिए मेन सर्वर से, तो आपका काम ये कर देगा। इसका यूज पूरे शहर के लिए करते हैं, इसका रेंज ज़्यादा होता है। अभी चलिए लास्ट टाइप आपको बताता हूँ। लास्ट टाइप नेटवर्क का होता है वैन। वैन का पूरा नेम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे एक फिगर आप देख लो, वैन में क्या होता है? आप लैन 1, 2, n नंबर ऑफ लैन नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ मैन 1, 2, 3, n नंबर ऑफ मैन नेटवर्क को भी एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। यानी कलेक्शन ऑफ लैन एंड मैन नेटवर्क इज कॉल्ड वैन। तो इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज कोई फिक्स नहीं है। इसे आपको तब यूज करना है जब आप किसी कंट्री को एक नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर पूरी दुनिया को किसी एक नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं, तब आप यूज करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन नेटवर्क। तो यहाँ पे समरी दे देता हूँ आपको कि मैंने क्या क्या अभी डिस्कस किया। सबसे छोटा नेटवर्क होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क का ये हमारा पहला टाइप है। इसका रेंज होता है 0 से 10 मीटर तक। पर्सनल यूज के लिए घर में करना है तब आप इसका यूज करेंगे। मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कोई स्कूल है आपको, आपको पूरे स्कूल में एक नेटवर्क लगाना है, पूरे सिस्टम को कनेक्ट करना है, तब आप लोकल एरिया नेटवर्क यूज करेंगे। इसका रेंज होता है 150 मीटर तक। किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी को नेटवर्क से कनेक्ट करना है तब आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज करेंगे यानी मैन। इसका पूरा रेंज होता है 50 किलोमीटर। एक कंट्री को या पूरी दुनिया को नेटवर्क, ये किसी के लिए भी बना हुआ है, कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क का यूज कर सकता है। फाइल शेयरिंग, आप अपने फाइल को शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है नेटवर्क आपको। इजी टू ऐड न्यू डिवाइसेस, आप अपने कंप्यूटर नेटवर्क में नए डिवाइसेस को ऐड कर सकते हो। लास्ट है बैकअप एंड स्टोरेज। हमारा जो नेटवर्क होता है हमें बैकअप भी प्रोवाइड करता है और स्टोरेज भी देता है, क्योंकि सभी नेटवर्क एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर भी रहता है, वहीं से आप बैकअप भी ले सकते हैं। तो नेटवर्क का डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला तो आपको नेटवर्क डिवाइस रिक्वायर्ड, आपको नेटवर्क डिवाइस चाहिए, जैसे हब, स्विच, राउटर, इस तरह का डिवाइस आपको चाहिए होगा। सेकंड, वायरस अटैक। जब आप एक नेटवर्क से कनेक्ट होंगे तब आपके कंप्यूटर में वायरस अटैक ज़्यादा होने का चांस बढ़ जाता है। थर्ड, रिक्वायर्ड हैंडलर, आपको एक हैंडलर चाहिए यानी एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क को हैंडल कर सके, पर्टिकुलरली उसकी देखरेख कर सके, तो उसके लिए भी आपको चार्जेस देना होगा।
देखिए हाई स्पीड इंटरनेट, आपको एक नेटवर्क अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, तो इसका भी कॉस्ट आपको लगेगा। सबसे मेन चीज सर्वर होना।